नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। देश भर में आहूत किसान बंदी का जमशेदपुर शहर में दिखा मिला जुला असर। किसानों के समर्थन में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां उतरी सड़कों पर, किया जमकर प्रदर्शन। कदमा शास्त्री नगर इलाके में जिले के सांसद ने किया दौरा। बस्ती वासियों को दुकान व मकान नहीं टूटने का दिलाया भरोसा। कहा, वैकल्पिक व्यवस्था पर होगा विचार। सोनाली थाना पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। हिस्ट्री सीटर अपराधी को भेजा सलाखों के पीछे। अपने ही घर पर फायरिंग कर रची थी साजिश। अब खबरें विस्तार से। देश भर में आहूत किसान बंदी का राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन किया और बंदी में शामिल हुए। जमशेदपुर शहरी तथा ग्रामीण इलाकों में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। जहां शहर के बड़े बाजार अधिकतर दुकानें बंद रही, वहीं कुछ दुकानें खुली रही, जहां बंद समर्थकों को हंगामा करते देखा गया। वैसे इक्के दुक्के घटनाओं को छोड़कर बंद शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। देश भर में आहूत इस बंदी का कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया था। जमशेदपुर जिला कांग्रेस कार्यालय से जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस जन इकट्ठा होकर रैली में शामिल हुए। रैली बिष्टुपुर पोस्टल पार्क पहुंची, जहां इन्होंने केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी की। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि इस बंदी में देशवासी खुद से ही शामिल हुए हैं और किसी से जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। केंद्र सरकार के इस काले कानून का विरोध देश के किसानों के साथ साथ देश की जनता कर रही है और इस कानून को वापस लेना ही होगा। सारे जितने दुकानदार प्रतिष्ठान के लोग हैं, वो सारे लोग अपने आप स्वतः बंद किए। और जो हम लोग का नारा था कि किसानों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में, आज हम लोग सड़क पर उतर के मैदान पर उतर के खेत में खलिहान में पूरे जिले में, जो रिपोर्ट हमारे पास से मेरे से आ रहा है, लोगों ने किसानों के समर्थन में स्वतः ही बंद कर दिया है। हम लोग कोई जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं धन्यवाद देता हूं अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं को, जिन्होंने पूरी ताकत के साथ पूरी निष्ठा के साथ आज इस कार्यक्रम को सफल किया है। सवेरे से हाथ जोड़ के फूल दे करके दुकानदारों को हाथ जोड़ के नमन करके किसानों के समर्थन में बंद कराने का आग्रह किया और लोग स्वतः ही बंद कर दिए। हमको लगता है ऐसा अभूतपूर्व बंद आज तक जमशेदपुर में हम देखने को नहीं मिला। हम लोगों ने जो हमारे राहगीर हैं उनको कोई कष्ट नहीं पहुंचाने की पूरी व्यवस्था की रखी। जो जरूरी काम के लोग जा रहे आ रहे उनको हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से जाने दिया और जो किसी को जोर जबरदस्ती नहीं किया आज के बंदी में, ये बहुत बड़ा एक काम रहा। तो किसान के आंदोलन का समर्थन करते हैं और उनके साथ है जितने भी किसान हैं, हम लोग सब कोई हैं, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है और हम लोग उसी के विरोध में ऐसी कर जाते हैं। किसान के समर्थन में हम लोग उनका सपोर्ट करते हैं, भारत बंद का सपोर्ट किए हैं हम लोग। वहीं बंदी का समर्थन राज्य सरकार में काबिज सत्ताधारी दल झामुमो ने किया। झामुमो के नेता व कार्यकर्ता पारंपरिक हथियारों एवं हल के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आए। इन्होंने एक नए कृषि कानून को गलत ठहराते हुए कहा कि
केंद्र सरकार केवल निजी स्वार्थ को साधने हेतु कानून बना रही है, जिस कारण आज देश भर में इसका विरोध हो रहा है। झामुमो शुरुआत से ही किसानों के समस्याओं के लिए लड़ता आया है और इस काले कानून के विरोध में अंतिम तक लड़ाई लड़ी जाएगी। आज हम विरोध नहीं, हम भारत के किसानों के समर्थन में खड़े हुए हैं और हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय गुरुजी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय हेमंत सोरेन जी के दिशा निर्देश के आधार पर, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी के अगर इतिहास को आप देखेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा से किसानों और मजदूरों के लिए संघर्षरत रही है और उनके लिए खड़ी हुई है। आज मोदी सरकार ने जिस तरह का कानून इस देश में लाया है, ये काला कानून है और पूर्ण रूप से कॉरपोरेट घराने को फायदा पहुंचाने वाला कानून है। इस देश के किसानों की जमीन जायदाद को बेच देने वाला कानून है। ऐसे कानून के विरोध में किसानों ने जो आंदोलन चलाया है, जो हमें अन्न प्रदान करते हैं, उससे ये सरकार बात करने तक के लिए तैयार नहीं है। इस देश में आप कानून बनाइए और कहिए कि हम ही सब कुछ जो कह दिया वही सत्य है, वही सही है, जबकि ये झूठे फरवों की सरकार है। इसका हम विरोध करते हैं और किसानों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा खड़ा है। वहीं यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमार गौरव भी जमशेदपुर के बाजारों में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बंद करवाते देखे गए। वैसे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने बीच प्रदेश अध्यक्ष को पाकर कुछ ज्यादा ही उतावला हो गए। उन्होंने अपने पार्टी के द्वारा स्वेच्छा से बंदी के नियम को भूलकर बाजारों में खुले हुए एक दुकानदार से उलझ पड़े, वहां जोरदार हंगामा कर दिया। बाद में मामला बिगड़ता देख यूथ कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें समझा बुझाकर वहां से हटाया। जो किसान विरोधी बिल नरेंद्र मोदी जी लेके आए, उसका जो किसान आंदोलन ने आज बंद का कॉल किया है, किसान संगठनों ने, कांग्रेस परिवार, यूथ कांग्रेस उसका पूर्ण समर्थन करती है। आप देख सकते हैं, साक्षी सबसे बड़ा बाजार है ये जमशेदपुर का, सारी दुकानें बंद हैं। सारे लोगों ने स्वेच्छा से किसान समर्थनों के, किसान बिल के विरोध में, किसानों के समर्थन में अपनी दुकानें बंद रखी हैं। इक्का दुक्का जो दुकानें खोली थी उन्होंने भी बोला कि हमसे गलती हो गई, हम दुकान बंद कर दे रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी को समझना चाहिए कि इस देश की आत्मा में किसान बसते हैं और अगर किसान का अनहित होगा तो देश का अनहित होगा। वहीं लेफ्ट पार्टियां भी इस बंदी में शामिल हुई। विशाल रैली के शक्ल में शहर के विभिन्न इलाकों से होते हुए इनकी रैली साक्ची गोल चक्कर पर पहुंची, जहां इन्होंने प्रदर्शन किया। वहीं शहर से सटे राष्ट्रीय राजमार्ग के कई इलाकों में भी बंद समर्थकों ने एनएच को जाम कर दिया। इस कारण बड़े मालवाहक वाहनों की कतार एनएच पर लग गई। घंटों यहां वाहन चालकों को जाम का सामना करना पड़ा। वहीं बंदी के मद्देनजर जिला प्रशासन भी मुस्तैद नजर आई। विभिन्न इलाकों में दंडाधिकारियों के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल मौजूद रही। वहीं वरीय अधिकारी प्रत्येक गतिविधि पर अपनी नजर बनाए हुए थे। कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं, शांतिपूर्वक सुरक्षा से जो बंद किए हैं, कहीं जबरदस्ती अभी तक देखा नहीं गया, जो शांतिपूर्वक। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने मंगलवार को कदमा थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर इलाके का दौरा किया, जिसको प्रबंधन द्वारा यहां सड़क चौड़ीकरण हेतु दुकानों तथा मकानों को तोड़े जाने का आदेश दिया गया है। हालांकि कुछ इलाकों में चौड़ीकरण हेतु दुकानों को तोड़ा गया है और बाकी बचे इलाकों में नापी कर दी गई है। क्षेत्र के लोगों में इसको लेकर दहशत का माहौल कायम है। ये सड़क
शास्त्री नगर इलाके को बिष्टुपुर से जोड़ती है और जिसको द्वारा यहां लगभग 70 फीट चौड़े सड़क का निर्माण प्रस्तावित है। वैसे इलाके में घनी आबादी निवास करती है। सांसद ने अपने दौरे के दौरान तमाम चिन्हित घर के लोगों एवं दुकानदारों से बातचीत की एवं उनकी परेशानियों को सुना। बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि उनकी बात जिसको प्रबंधन से हुई है और उन्होंने बीच का रास्ता निकाले जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि बड़े वाहनों के लिए पूर्व से ही नगर विकास आवास विभाग के द्वारा वर्ष 2014 में बाईपास बनाया जा चुका है और सड़क को 70 फीट चौड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि यहां 40 फीट चौड़ा सड़क रखने का निर्देश उनके द्वारा जिसको प्रबंधन को दिया गया है। वहीं उन्होंने क्षेत्र के निवासियों को आश्वस्त किया है कि किसी भी हाल में दुकान एवं मकान टूटने नहीं दिया जाएगा। दो हजार 2014 में बर्दागी देकर लोगों को आतंकित करने का काम किया। देखिए, यह कोई ज़रूरत ही नहीं है इतनी चौड़े रोड बनाने का, और लोग आज से नहीं 50-60 साल से बस बास करके अपना परिवार का भरण पोषण इस दुकान के माध्यम से करते थे, लेकिन आज अचानक टिस्को का क्या हो गया कि इतना चौड़ा रोड का ज़रूरत हो गया, जबकि उसका ऑल्टरनेट घना आबादी है, ऐसे भी हैवी व्हीकल उधर से गुजरना नहीं चाहिए। और हम लोग इसका ऑल्टरनेट यहाँ से तत्कालीन जो इस क्षेत्र के विधायक रहे सरजू राय जी और हमने किराया था इसका किनारे किनारे में इसका बाईपास निकाल देता कि जो घना आबादी हर तरफ से सुरक्षित रहे, तो इसीलिए इसको अब तुरंत रोक लगाइए और इसमें बैठेंगे और जिससे इफेक्टेड लोग हैं उनसे और हम लोग बैठ के इसको बात करेंगे। तो उस समय कैप्टन जो जिसको कहे कैप्टन साहब बोले कि ठीक है हम इस संबंध में बातचीत करेंगे और बातचीत करके जो सबके लिए बेहतर होगा वही काम करेंगे। और उनका बात पर हम लोग आज इस जो बात उनसे हुआ था उसी को लेकर आज हमारा पूरा दुकानदार भाइयों से बस्ती वासियों से मेरा बातचीत हुई है। 40 फुट रास्ता सफिशियंट यहाँ के लिए, इसको करें और हैवी व्हीकल के लिए बाईपास को तत्काल बनाएं। टाटा स्टील का पैसा का कमी नहीं है, अभी तो हम लोग किसी भी हालत में तोड़ने नहीं देंगे क्योंकि इसका अल्टरनेट व्यवस्था क्या है उसके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं। जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत बीती रात हुए गोलीकांड मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गोलीकांड की सूचना देने वाले व्यक्ति पिंटू प्रमाणिक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत भेज दिया है। बताया जाता है कि पिंटू प्रमाणिक पूर्व का हिस्ट्री सीटर है और पुरानी रंजिश के कारण सम्राट सरदार एवं अन्य को फंसाने के लिए झूठी एवं मनगढ़ंत साजिश उसने खुद रची थी। जानकारी देते हुए सीसीआर डीएसपी ने बताया कि पिंटू प्रमाणिक ने अपने पास रखे अवैध देसी पिस्टल से फायरिंग कर साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया है। छापेमारी के दौरान उसके पास से एक देसी पिस्टल, दो जिंदा कारतूस एवं फायरिंग किए गए कारतूस के खोके बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पिंटू प्रमाणिक का आपराधिक इतिहास रहा है, फिलहाल पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। की रात्रि करीब 1:15 बजे पिंटू प्रमाणिक द्वारा दूरभाष पर सूचना दी गई कि वहां पर फायरिंग, उनके घर के सामने फायरिंग की घटना घटी। उस पर त्वरित कार्रवाई थाना प्रभारी एवं उनकी टीम सुनारी एवं उनकी टीम के द्वारा की गई और सत्यापन किया गया, जांच किया गया। तो सत्यापन जांच में पाया गया कि सम्राट सरदार को फंसाने के लिए इनके द्वारा ये सूचना दी गई और इन्होंने कन्फेस किया और कन्फेशन के आधार पर इनके पास से एक जो है 7.65 का कट्टा, दो खाली खोखा और दो जिंदा गोली 7.65 का बरामद किया गया और इनकी गिरफ्तारी की गई। वो उसको फंसाने, सम्राट सरदार को फंसाने के लिए पहले से है, दोनों के बीच में आपसी दुश्मनी बनी है, टिल्लू सरदार वगैरह के में गया है, जेल गया है और इनका आपराधिक इतिहास भी है। 140 2012 में ये आरोपी थे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG News की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।